हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मूव ट्रिक्स। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने अनाउंस किया था कि अब से मैं अपने चैनल पे एंड्रॉयड डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस डालने वाला हूँ, तो आज हमारा पहला वीडियो है। तो आज हम अपने सिस्टम में कुछ सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमको हेल्प करती हैं एंड्रॉयड ऐप्स बनाने में। तो वो पहला है एंड्रॉयड स्टूडियो और दूसरा हमको इंस्टॉल करना होता है जावा JDK। तो इन दोनों को हमको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इन दोनों को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों, पहले हम इंस्टॉल करेंगे जावा JDK अपने सिस्टम में। तो सबसे पहले आपको मालूम करना पड़ेगा आपका सिस्टम कितने बिट का है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक मिनट, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको दिस PC में जाना होगा। दिस PC में जाके इधर कहीं पे भी आपको प्रॉपर्टीज में जाना होगा। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका सिस्टम कितने बिट का है, 64 बिट का है या फिर 28 बिट का है। तो ये मालूम करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको अपने फेवरेट ब्राउजर में जाइए, फिर उधर से आप जावा JDK सर्च कीजिए, जावा JDK। उसके बाद जो ये फर्स्ट लिंक आएगी, इस पर ही आपको क्लिक करना है। ओके, इधर मैं आपको बता दूं कि जावा JDK का जो नया वर्जन है, JDK जो जावा डेवलपमेंट किट, इसका फुल वर्जन है, फुल नेम है जावा डेवलपमेंट किट, तो इसका जो अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 11, ये सिर्फ और सिर्फ 64 बिट वाले वर्जन को सपोर्ट करता है। तो अगर आपका 32 है तो आपको क्या करना होगा, इधर देखिए नीचे स्क्रॉल करके ये वाले JDK को डाउनलोड करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा। और फिर इधर से आपको स्क्रॉल करके इधर देखिए विंडोज 86 जो ये लिखा है 197 MB का, ये वाला आपको डाउनलोड करना होगा अपने सिस्टम में, अगर आपका 32 बिट का है तो। अगर नहीं, अगर 64 बिट का है तो आपको क्या करना होगा, इसी पे क्लिक करना होगा, लेटेस्ट वर्जन जो है वो डाउनलोड करना होगा। और इधर से देखिए विंडोज, इधर देखिए 150 MB का जो है ये वाला आपको डाउनलोड करना है, 150 ये वाला आपको डाउनलोड करना है। और जैसा कि इधर देखिए मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ओके, ये देखिए इधर आप देख सकते हैं कि ये देखिए जावा का लेटेस्ट वर्जन 11.0.1 ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो आपको क्या करना होगा, इसी पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना होगा अपने सिस्टम में। तो अब जैसे कि नॉर्मल सॉफ्टवेयर से आप इंस्टॉल करते हैं, नेक्स्ट 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 फिर इंस्टॉल करके फिनिश कर देते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको इसको भी इंस्टॉल करना है, कुछ है, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और बस हाँ, इसमें ये बोलूँगा कि इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका वर्जन रहेगा, मतलब पाथ रहेगा, इंस्टॉलिंग पाथ रहेगा, वो आप मत चेंज करना। ओके, तो इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको इधर से देखिए दिस PC पे जाना होगा, फिर सी ड्राइव में जाना होगा आपको। सी ड्राइव में जाने के बाद देखिए आपको प्रोग्राम फाइल मिलेगा, प्रोग्राम फाइल पे जाएंगे। तो जब आपने डाउनलोड कर लिया होगा जावा को, इधर देखिए आपको जावा को एक नया फोल्डर दिखेगा, जावा, तो आपको इस पे जावा पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इधर देखिए आपको, देखिए मेरा तो ये पुराना वर्जन है 9.0.1 है, लेकिन आपका 11.0.1 ऐसा कुछ दिखेगा यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको JDK जो है, JDK पे क्लिक करना है, JDK के बाद फिर बिन पे क्लिक करना है। तो देखिए हमने क्या किया, PC पे गए, दिस PC पे गए, सी ड्राइव पे गए, फिर प्रोग्राम फाइल पे गए, फिर जावा पे गए, फिर JDK पे गए, फिर बिन पे गए। अब हम क्या करेंगे, ये पूरे पाथ को इधर से हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद सिस्टम सिक्योरिटी में जाएंगे, फिर सिस्टम में जाएंगे, फिर एडवांस सेटिंग, देखिए इधर एडवांस सेटिंग पे जाएंगे, फिर इधर देखिए एनवायरनमेंट वेरिएबल, इधर से हम क्या करेंगे, एनवायरनमेंट वेरिएबल पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर देखिए पाथ का ऑप्शन है, ये देखिए पाथ का ऑप्शन है, इस पर हम क्या करेंगे, इस पर सेलेक्ट करके इसको एडिट पे क्लिक करेंगे। फिर इधर देखिए हम इधर न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करने के बाद हम जो पाथ को कॉपी किए थे वहाँ से इधर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा पाथ आ गया, सी प्रोग्राम फाइल जावा JDK 9.0, इधर मेरे में दिख रहा है लेकिन आप में 11.0 दिखेगा अगर आपने लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर रहे हैं तो। अगर आप 32 बिट वाला डाउनलोड कर रहे हैं तो शायद इधर 8 दिखेगा। तो ये तो मैंने देखिए इधर पहले से ही मतलब किया हुआ है, इसको सेट किया हुआ है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये तो मैं आपको दिखाने के हिसाब से इधर ऐसा पेस्ट किया था। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इधर आपको पाथ पेस्ट किए, अपना पाथ डाले, फिर उसके बाद ओके हुए, फिर इधर से फिर ओके पे क्लिक करना है, फिर ओके पे क्लिक करना है। बस अब आपके सिस्टम में जावा JDK इंस्टॉल हो गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने सिस्टम में एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करना है। एंड्रॉयड स्टूडियो आप कैसे इंस्टॉल कर पाएंगे, आपको सिंपली क्या करना होगा, अपने ब्राउजर में जाना है, एंड्रॉयड स्टूडियो सर्च करना है, फिर इधर देखिए फर्स्ट लिंक जो आएगी ये ऑफिशियल इनकी
लिंक है, तो इधर से जाके आप एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। तो इधर से आपको क्या करना होगा, सिंपली इसको डाउनलोड करना होगा जो कि 927 MB का है। डाउनलोड करने के बाद क्या करना होगा आपको, जहाँ पे भी आपने डाउनलोड किए हैं इसको, जैसे कि मैं यहाँ पे डाउनलोड किया हूँ, ये देखिए 927 MB का है। इसको आपको क्या करना होगा, इसी पे क्लिक करके फिर इंस्टॉल कर लेना होगा। जैसे कि नॉर्मल आप सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल करते हैं, अभी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो इसको मैं फिर से इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ। तो आप जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ठीक उसी तरीके से नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल हो जाएगा, और इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके से विंडो आपके सामने आ जाएगा, मतलब आपने पूरी तरीके से सक्सेसफुली एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर लिया है। तो बस ये था जावा JDK इंस्टॉल करने का और एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करने का प्रोसेस। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ एंड्रॉयड स्टूडियो के ओवरव्यू दूंगा और बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें जाननी जरूरी है, एंड्रॉयड स्टूडियो का ओवरव्यू दूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों लोगों के साथ, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है नीचे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना यार, क्योंकि मैं वीडियोज आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के आप अपना ख्याल रखिए, गुड डे एंड टेक केयर।